जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, न्यू अपडेट आपके लिए लेके आए हैं, न्यू रिक्रूटमेंट है एसएससी के थ्रू। जो एसएससी का फेज 10 अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एसएससी के द्वारा, उसके अंदर आईटीआई की भी वैकेंसी है और जो ड्राइवर की वैकेंसी इसके अंदर दी गई है। तो चलिए मांगिए उसके अंदर कौन सी ट्रेड मांगी है, और साथ में हम डिस्कस में होते हैं कौन से रीजन में कितनी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन के अंदर इसका जो कोड है वो है 12522। ठीक है, जब भी आपको, अगर आपको सूटेबल लगे, आपके इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है कि इस कोड को सर्च करना है, वहां पे कोड को देखना है, ER12522। तो ये देखोगे तो वहां पे ड्रिलिंग ऑपरेटर आएगा, उसके अंदर 27 पोस्ट है ओबीसी की और एक पोस्ट है एससी की और 7 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ज्यादा पोस्ट है इस बार। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है हमारे पास वेस्टर्न रीजन के अंदर। वेस्टर्न रीजन के अंदर जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसका कोड है WR1422। ठीक है, यहाँ पे 24 वैकेंसी है ड्राइवर की। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो वेस्टर्न रीजन में है, इसका जो एमटीएस की वैकेंसी है और उसका जो कोड है वेस्टर्न रीजन में WR12822। तो इसके अंदर 57 वैकेंसी है एमटीएस की। नेक्स्ट जो वैकेंसी है आईटीए की वो है हमारे पास वेस्टर्न रीजन में, जिनका कोड है 10922 और 10822। इसके अंदर आपके क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th के अंदर आपके पास साइंस होनी चाहिए, प्लस आपके पास 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल फिटर या टर्नर के अंदर। ठीक है, और प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रिलिंग असिस्टेंट के अंदर। ये जो पोस्ट है वो ड्रिलिंग असिस्टेंट की है और यूआर की, इस दोनों में एक एक पोस्ट है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है साउथ रीजन में है, जिसका जो कोड है 12922। इसके अंदर यूआर के अंदर 2 वैकेंसी है और ओबीसी के अंदर 1 वैकेंसी है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या मांगा गया, आपके 10th पास आउट होने चाहिए आप, और प्लस में आपके पास 2 साल का आईटीआई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो होना चाहिए ट्रेड मैकेनिकल फिटर और टर्नर में, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है साउथ रीजन के अंदर, इसका जो कोड है 11922, ये भी ड्रिलिंग ऑपरेटर की है। और साथ में जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है साउथ रीजन की, इसका कोड है 11822। इसके अंदर 2 वैकेंसी यूआर की और 1 वैकेंसी ओबीसी की है। तो ये क्वालिफिकेशन के अंदर सेम है कि 10वीं पास, प्लस में आपके पास 2 साल का आईटी का सर्टिफिकेट और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो उसके अंदर आपसे ओनली आपके पास 10th पास आउट होनी चाहिए, प्लस आपके पास आईटीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेन एमएमवी के अंदर और डीजल के अंदर या फिटर ट्रेड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ओनली डीजल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिक एमएमवी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और फिटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका कोड है वो ध्यान से सुनिए कि 11522 है इसका साउथ रीजन में। ठीक है, 10वीं पास, आईटीआई, एमएमवी और डीजल मैकेनिक या इसके अंदर फिटर के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर 34 पोस्ट ओबीसी की है, आपकी आपके अनुसार ये कम होगी लेकिन बहुत ज्यादा है ये पोस्ट एसएससी के अंदर, क्योंकि जो आपको ईस्टर्न रीजन में मिल रही है उसके अंदर 27 पोस्ट भी ओबीसी की है और एससी की यहाँ पे 1 पोस्ट है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जिसका जो कोड है वो है 10222। यहाँ पे इसके अंदर 2 साल का आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल फिटर या टर्नर के अंदर। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो ईस्टर्न रीजन के अंदर है, ईस्टर्न रीजन के अंदर 15122, ये सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और नेक्स्ट उसके अलावा जो ईस्टर्न रीजन में एक और वैकेंसी है वो है हमारे पास 13622। इसके अंदर 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया आपसे मैकेनिकल टर्नर और फिटर के अंदर, और इसके अंदर 2 पोस्ट है यूआर की। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है ईस्टर्न रीजन के अंदर, ये 13522। इसके अंदर यूआर की 4 वैकेंसी है और 1 ओबीसी की और 1 एससी की वैकेंसी है। इसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट। तो आपके पास 2 वैकेंसी ऐसी है जिसके अंदर आपसे 1 साल का सर्टिफिकेट या 2 साल का सर्टिफिकेट चलेगा। उसके अंदर एमएमवी डीजल वाले भी अप्लाई करते हैं और फिटर वाले भी अप्लाई करते हैं, जो साउथ रीजन के अंदर एक और एक है ईस्टर्न रीजन में। साउथ रीजन में यहाँ पे 34 पोस्ट ओबीसी की है और ईस्टर्न रीजन में 27 पोस्ट ओबीसी की है, 10वीं पास प्लस आईटीआई, एमएमबी, डीजल और फिटर ट्रेड। और जो नेक्स्ट वैकेंसी आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो जिनके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल के अंदर या माइनिंग के अंदर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो या ड्रिलिंग के अंदर आपके पास डिप्लोमा है, उसकी वैकेंसी है। उसके अंदर यूआर की 9 पोस्ट है और ओबीसी की 1 पोस्ट है। इसका जो कोड है वो है ER13822। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर या इस वीडियो के बाद में आपसे शेयर करूंगा मैं कि किस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, उसकी सेपरेट वीडियो आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।